तो नमस्कार दोस्तों, दीप्टेक 3.0 यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया और एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं दोस्तों सहमदीप, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने को जा रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया सैड न्यूज, जो वोडाफोन और आइडिया के बाद एयरटेल भी फिलहाल इंडिया में बंद हो सकते हैं। हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं और सारे प्रूफ इधर मैं वीडियो के अंदर देने ही वाला हूँ। आप तो शायद जान चुका ही होगा कि 90% पॉसिबिलिटी है वोडाफोन और आइडिया इंडिया में ना रहे, वो इंडिया को छोड़ दे। और इधर दोस्तों अभी 95% पॉसिबिलिटी आ गया कि भाई एयरटेल भी छोड़ दे इंडिया को, क्योंकि दिखा जाए दोस्तों एजीआर केस में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो सभी फंस चुके हैं। और जियो इधर तो पैसा चुका दिया, बीएसएनएल नहीं चुकाया, वोडाफोन आइडिया कुछ चुकाया, एयरटेल भी कुछ चुका दिया। लेकिन दोस्तों एयरटेल के पास अभी आ गया है एक न्यू एजीआर केस, जिधर दिखा जाए एयरटेल का जो 36,000 के आसपास एजीआर ड्यूज था, अभी ट्राई और डॉट मिल के बोला भाई आपका तो और भी लगेगा, और मतलब आपको 3 करोड़ ज्यादा, 3,000 करोड़ ज्यादा आपको इधर पे करना पड़ेगा। और ये सुन के एयरटेल का सीईओ गोपाल विट्ठल जी ने तो फिलहाल एकदम क्लियर कट कह दिया, वो मेरे को देना पड़े और उससे ज्यादा भी मेरे को देना पड़े तो इधर इंडिया छोड़ के मैं चला जाऊंगा। क्योंकि आप तो सभी जानते हैं कि एयरटेल का बिजनेस का फिलहाल जो स्ट्रेटेजी मेकिंग चल रहा है अभी बाहर का कंट्री में। और इधर दोस्तों क्या खबर है एयरटेल का, क्या शायद एयरटेल सच में ही इंडिया को छोड़ने वाला है वोडाफोन आइडिया जैसा? क्या है सच खबर, क्या है असली खबर, सब भी आपको जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। और इधर मैं जो भी आपको बोलूंगा ना, सभी प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही दे दूंगा। और इधर दोस्तों आप चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ हटके सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एयरटेल का एजीआर केस में जो एयरटेल फंसा हुआ था उसका एजीआर ड्यूज जो था वो 36,000 के आसपास, वो 36,000 कोर के आसपास। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल डॉट और ट्राई मिलके एक सुनानी दे दिया कि भाई आपने जो स्पेक्ट्रम खरीदा था वीडियोकॉन के पास से अपना 2G और 3G इंटरनेट सर्विस चलाने के लिए, वो 25 MHz वाला बैंड और 1,500 MHz बैंड, वो 3G सर्विस और 2G सर्विस को बेटर करने के लिए, और इधर दोस्तों 4G भी आ गया और अब स्पेक्ट्रम तो खरीद लिया आरकॉम के पास और एयरसेल के पास, एयरसेल और आरकॉम के पास जो स्पेक्ट्रम था वो आपने खरीद लिया। लेकिन दोस्तों इधर आपको वीडियोकॉन का जो स्पेक्ट्रम है वो आपको चुकाना पड़ेगा, वो स्पेक्ट्रम फीस, स्पेक्ट्रम लाइसेंस फीस, उसके साथ इंटरेस्ट, उसके साथ पेनल्टी, पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट मिला के फिलहाल वो हो गया एयरटेल के पास 39,000 के आसपास। आप मान लो एक फिगर में कि 44,000 के आसपास अभी हो गया और एयरटेल को ये चुकाना है। और इधर देखा जाए वीडियोकॉन के पास भी गया था एयरटेल और वीडियोकॉन ने सारे फिलहाल बोल दिया कि भाई मैंने तो स्पेक्ट्रम आपको दे ही दिया, तो आपको फर्ज बनता है कि जो स्पेक्ट्रम आपने लिया, जो आपने लाइसेंस लिया, वो सारे फीस आपको ही भरना पड़े, मैं तो फिलहाल दे दिया। और इधर आरकॉम और एयरसेल बैंक के नाम से तो चले गए, उसको फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों 44,000 के आसपास जो एजीआर ड्यूज आपको लगा है आपको सारे ही देना पड़ेगा। और इधर एयरटेल ने फिलहाल तो बोली दिया भाई जो एक्स्ट्रा मेरे को देना पड़ रहा है ना 2-3 crore एक्स्ट्रा, वो मैं तो दे दूंगा। लेकिन दोस्तों अब बात में तुम बोलोगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, आप इधर से स्पेक्ट्रम खरीदा, इधर से वो लाइसेंस लिया, तो आपको और भी देना पड़ेगा 10 crore के आसपास एक्स्ट्रा। तो आप पहले बोल दो कि भाई कितना मेरे को देना पड़ेगा। हाँ मैं मान रहा हूं कि भाई 20 साल में मैं कोई भी एजीआर फीस नहीं चुकाया, लेकिन आप पहले एक केस क्लियर करवा दीजिए कि कितना मेरे को शायद देना पड़ेगा। और इधर दिखा जाए दोस्तों जो 10 crore एयरटेल ने चुका दिया और बोला कि 17 मार्च के अंदर अंदर मैं सारे चुका दूंगा, और एयरटेल अभी नाराज हो गया, मैं कुछ नहीं दूंगा, वो बैंक ड्राफ्टी के नाम से मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा और इंडिया से मैं बाहर हो जाऊंगा। और इधर दोस्तों ये 99% पॉसिबिलिटी अब निकल के आ रहा है कि भाई एयरटेल भी इंडिया को छोड़ दे, और आप एयरटेल का एक सब्सक्राइबर हो तो आपको क्या होगा। और इधर देखा जाए अभी एयरटेल का जो शेयर मार्केट है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या होगा, आपको क्या लग रहा है ये वीडियो सुनकर, वो आपको सारे कमेंट्स में बताना जरूरी है। और इधर आप ये भी बोल देना कि भाई एयरटेल
छोड़ दे इंडिया को तो रह जाएगा खाली BSNL और जियो। तो आप सोच लगा सकते हो कि भाई कितना मोनोपोली, कितना डुओपोली आ जाएगा। इधर BSNL का तो 4G फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ, BSNL ने बोला कि अप्रैल 2020 के बाद सारे 4G आ जाएगा सारे इंडिया में, लेकिन ये तो बिल्कुल खबर सच नहीं है। BSNL एक सरकारी कंपनी है, क्या होगा देखना पड़ेगा शायद। और इधर दोस्तों जियो रह जाए तो बस आप सोच लगा सकते हो कितना डुओपोली, कितना मोनोपोली चल सकते हैं। क्या लगता है आपको, एयरटेल की सच में ही छोड़ के जा रहे हैं इंडिया को, क्या लग रहा है आपको? और इधर नेक्स्ट जो न्यूज आएगा सभी मैं आपको दूंगा इस चैनल पे, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जरूरी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।